खाना जिम में खाना बेटा। क्यों मैं देखो यार गाड़ी सजा ही है। गंदा लड़का कारस्तान ही देख रहा हूँ। कुछ खाली है मैंने मुझे लग रहा है। फाइनली जबर नहीं आ रही है। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो सुबह के बज गए 1 और हमारा जिम का टाइम हो गया अभी। अब हम जा रहे हैं जिम। हमारी सारी डाइट आ चुकी है और हम अपने आप को अब मेंटेन रखने वाले हैं। जैसे अभी हैं पतले वैसे ही पतले रहने वाले और भी वेट लूज करने वाले। तो अभी सुबह सुबह उठा हो ना तो सिर में दर्द हो गया। गोलू को बोला सिर की कुछ दवाई ववाई दे, फिर खा के मैं भी निकलता हूँ जिम के लिए। अंदर कौन सी दवाई डाल दी बाबू? घोल के खा पीते हैं उसे ना, जल्दी असर करता है। आपका सर दर्द है तो आप रुक जाओ, मैं और भैया चले। नहीं मैं भी चलूंगा, बहुत गंदी है। ऐसी होती है। कुछ खाना जिम्मी? कुछ खाने जिम्मी को दिया खाना का? हाँ उसकी कटोरी हमेशा भरे रहते हैं। इसको अंडा खिला दो। हाँ अंडा खिला दो उसको, एक उसका येलो येलो खिला दे इसे। जिम जाने से पहले ना ओट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं खाली पेट जिम जाना चाहिए। खाली पेट जाने के बाद आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और फिर ना मसल काम करेगा ढंग से, फिर आप थोड़ी देर में आलस से वापस आ जाओगे। तो कम से कम जितना आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से आप गूगल में भी चेक कर लेना और उस हिसाब से आप ओट्स खा के जरूर जाना जिम। आजकल गुड्डू ये व्हाइट व्हाइट पता नहीं अनार क्यों आ रहे हैं। मैंने पूछा तो उसे, मैंने कहा भैया व्हाइट अनार खराब होते हैं? करे नहीं ये मीठे होते हैं बहुत, अभी सीजन के हिसाब से व्हाइट आते हैं। खा के देख अच्छे लग रहे हैं? अच्छे हैं पर थोड़े से कड़वे हैं। कच्चे ही उनका काम होता बेचना। फिनिश कर दो ना थोड़ा, बॉडी को रह रहा है। और नहीं खा सकते, कार्डियो कर लेना सब खत्म हो जाएगा। और नहीं खा सकते इतना ज्यादा खा ले उसको। गोलू देख कैसी शक्ल बना दिया। चीकू इतना ज्यादा समझदार हो गया कि खुद नहाया है चीकू और खुद ही खाना खा रहा है ना बेटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। आप खुद नहाए हो? नहीं तो इतने छोटे बच्चे होते हैं ना खुद नहीं नहाते। अगर मम्मी बोले नहा लो तो हम भी ऐसे थे, हम नहाते नहीं थे और खुद खाना खा रहे। देखो वेरी गुड चीकू। और अब ट्यूशन जाएगा चीकू। ट्यूशन कितनी देर में जा रहे हैं? थोड़ी देर में। चलो बाय बाय बेटा। तो आज शायद हम लोग निकल सकते हैं अजमेर शरीफ और जिन माता के लिए, क्योंकि हमने कल भी बताया था हम जाने वाले हैं। पर थोड़ा सा आहाना हो रहा है क्योंकि माहौल थोड़ा खराब है, गर्म है माहौल, इसलिए अभी देखते हैं। क्या ट्रेजेडी होगी बताइए? आपसे जितनी बड़ी गलती होगी ना, अगर ये गलती मुझसे पायल से हुई होती ना, आप इतना डांटते पूरा दिन डांटते। बता दे भाई, हमने माफ कर दिया आपको। मैं ऊपर चौथे फ्लोर से नीचे आई हूँ। हुआ क्या कि अरमान जी ना गाड़ी में चाबी भूल गए और ऊपर जब हम जिम से निकल रहे हैं तो पूछ रही गोलू चाबी किसको दी थी, चाबी कहाँ रखी ये कह रहे इसको दी, पायल को दी, ये कह रहे गोलू को दी। हमने कहा हमें तो दी नहीं है, कह दी है। फिर मैं ऊपर से नीचे आई भागी आके देखा, मैंने पहले खिड़की खोल के देखी, खिड़की खुल गई, फिर मैंने देखा यार गाड़ी तो खुली हुई है और पीछे कैमरा भी रखा है और आगे ये वाली सीट ड्राइवर सीट पे आपने चाबी रखी हुई और ये जो कैमरा है ना यहाँ रखी थी, यहाँ पे रखी हुई थी। चलो कोई नहीं, गलती मलती माफ करो। हम क्यों माफ करें आज आपको? अब इसकी आपको सजा मिलेगी। ठीक, ये सजा ये है कि आप मुझे और पायल को शॉपिंग करवाना। ठीक है पायल, आज नहीं पर मतलब आज नहीं, फिर कभी शॉपिंग कराना, कोई बात नहीं। और अभी तो हमें जाना है घर, हमें फिर पैकिंग भी करनी है ना गुड्डू। चलो ठीक। आज इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? कहाँ जाने की तैयारी है? घर पे। क्यों बेटा, दिल नहीं लग रहा घूमने के लिए? वैसे ही। ओए होए, हर महीने तेरे नालायकपन दूर नहीं हो रहा पाली, घूमने के लिए जा रहा बाहर? रेंट कितना हो रहा है? जा रहा है, मेरे से बात हुई थी इसकी कल, वो शादी से पहले भी बोला था मुझे घर जाना है। मैंने कहा एक बार शादी का ऊपर है, मुझे ऊपर है, वो हिसाब करवा के जाइए सारा जितना भी आ जाए। तो गाइस अपना मजेदार सैलेड आ गया है। डाइट बहुत जरूरी है फिट रहने के लिए। तूने कुछ खाया है बेटा? बता तो दे, बात तो कर लिया करो, थोड़ी बहुत बात तो कर लिया करो है भाई। ओ लड़के, गंदा लड़का, क्या तंग मचा रखा है, चुप करने। अरे बाथरूम में नहाने जा रही थी, बाथरूम में बैठा हुआ था, चीकू को बोला इसको घर में रख, अब इसको यहाँ पे था धूप में। हाँ। फिर बाथरूम पहुंच गया, खाना दिया मैंने इसको, थोड़ा चला कद्दू तो खाली, इसको मन कर रहा है बाहर निकलने का, इसको बिल्कुल मन नहीं करता अपने घर में बैठने का। देखना जरा, देख रहा हूँ इसको, नीयत खराब हो रही है, बहुत शरारती हो रहा है, इसको नीचे रख कर देख। तो चिकन को बिठा दिया है धूप में, और कर दो थोड़ा, और थोड़ी सी कर दी इसका, दिल नहीं कर रहा इसका ना, ये पेड़ पे यहाँ पे जाएगा, कपड़ों पे चढ़ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा फिर ऊपर छुप जाएगा। चिपकन चढ़ गया ऊपर और देख लो इसकी कारस्तानी, देख लो ये यहीं रहेगा। आज मैंने इसको ना इस वाले गैलरी में छोड़ दिया है, और क्योंकि ना वहाँ पे तो ये मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस अभी निकल रहा मैं सैलून, बहुत दिन हो गए हेयर कट करा के आता हूँ, बाल बिल्कुल ही गंदे हो गए। मैंने ना अभी कल रात को आम का अचार बनाया था, कच्चे आम का, ऐसे नॉर्मल मिर्ची विर्ची डाल के वो सब डाल के मैंने जिम से आके 5 रोटी खा ली। अच्छा 5 रोटी खा ली, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि पेट में कुछ खाली है, पेट भर गया, जी नहीं भर रहा। खा ले कोई बात नहीं, पता लग जाएगा जब और मोटी हो जाएगी ना, अभी थोड़ी बहुत फिट लग रही है, फिर बुरा हाल हो जाएगा पता है। नहीं मैं खाऊंगी नहीं। तो दीपक जा रहा है घर,
और कब आएगा? बस 10 दिन बाद वापस। वेरी गुड, पूरा 10 दिन का ब्रेक। वो पापा की बर्थडे है ना मेरे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रख। और मैं देखता हूँ क्या होता है, 5-6 को दिल्ली आऊंगा तो साथ लेता हूँ। मैंने इसको कहा है मैं कटिंग करा ले, तेरे बाल रफ हो गए हैं क्योंकि इसने कलर कराया था, अभी इतना ब्लॉन्ड कलर कराया था, मेरून कलर का करवाऊंगा कटिंग, तो इसके बाल पूरे खराब हो गए। वो जिसने किया है ना वो तो सही करने का नाम नहीं ले रहा, मैं कहीं और जाके ठीक कराऊंगा, तो यहाँ से करा देता हूँ। चल इसको वो होता है ना गुड्डू के, हम जहाँ से कैंची लगवाते हैं बाल बढ़ते हैं ना वहीं जाते हैं बंदे, इसीलिए वहीं जाना चाहता हूँ। तो गाइस आज ये वाला हेयर स्टाइल लुक रखेंगे, जो ये वाला हेयर स्टाइल लुक था मेरे फादर साहब रखते थे और आज उन्हीं की याद आ गई। फोटो भी देख रहा था पुरानी, फिर मैं अभी आया बंडी का हेयर स्टाइल करवाने, तो फिर मैंने शीशे में ये अचानक से ऐसे किया तो सेम मतलब जो मेरे फादर साहब थे उनमें शक्ल तो देखो मिलते क्योंकि उन्हीं के औलाद हैं, पर इमेजिन करके याद आ गई उनकी। तो गाइस हेयर स्टाइल हो गया डन, तो अभी जाता हूँ स्किन का ट्रीटमेंट कराने, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस रात के बज गए 10:30 और हम निकल चुके हैं अजमेर शरीफ के लिए। कौन कौन जा रहा है बिना नाम लिए देख लो, पीछे कितने सारे लोग हैं, कुछ लोग नीचे भी हैं। और कालू भाई हरियाणा से आ गए हैं। हेलो जी। और नितिन भाई ने अपना व्लॉग एडिट कर दिया टाइम से पहले, हमारे ब्लॉग नहीं हुए, वो हम जाके अजमेर शरीफ में करेंगे और रास्ते की जितनी भी जर्नी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। यार गुड्डू इतना सामान कहाँ रखूँ, देखना जगह है। गोलू 10-15 दिन के लिए नहीं जा रहे, बस मत्था टेक के आएंगे। मैं सोच रस्ते में सब खा के रख दे इसको, इतना सामान थोड़ी रख सकूं गुंग में इतने से बैग में, देखना। चलो गुड्डू चलो बेचू को, चलो चिकू इनके काजू तो रख लेते हैं। हमारा हर प्लान ना बड़ा तेजी में रहता है, फटाफट कर दो कर। मैं ना आपसे दोपहर से पूछ रही थी गुड्डू पैकिंग कर लूं, गुड्डू पैकिंग कर लूं। तबीयत खराब थी उस टाइम मेरी, तो गुड्डू के दांत में दर्द था ना, मैंने पेन किलर भी रखी आपके लिए, दांत में दर्द था इन्होंने कंफर्म। और भी ऑन द स्पॉट 50 पराठे सारी पैकिंग सारा घर सब कुछ किया है। चलो चलो शाबाश। 25 पराठे मैंने उस गाड़ी में दे दिए चटनी के साथ, भूख लगे तो खा लेना, सीधा वहीं उतरेंगे, बीच बीच में उतरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं खाना। 700 किलोमीटर है यहाँ से, तो खाना तो लेके आया ना बंदा, खाने के लिए उतरता है ना, रास्ते में उतरना पड़ेगा चाय भाई के लिए, पता है एक बार। नहीं चाय तो बड़ी टेस्टी होती है, चाय तो पियेंगे रास्ते में भैया। मैं 14 15 घंटे का रास्ता है। तो भैया यहाँ पर चल रहा है खाना पीना और गाड़ी में बना दिया है बेड। और चीकू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पापा, चॉकलेट खा के। और रीत बहुत दिन से बोल रही थी कि वही दरगाह चलेंगे अजमेर शरीफ चलेंगे, तो फाइनली भैया रीत आ गई है। आपने मेरी सच में ख्वाहिश पूरी कर दी, कब से सोच रही थी। ऐसी होता है अचानक ही होती है सब चीजें। हाँ बेटी हमारा तो बेटे हमारे अचानक होते हैं प्लान, मैंने रखे और पायल के हाथ के परांठे और अचार भी खा लिया मैंने अपनी। पापा तो हमारे साथ कौन है देखो, ये आदमी है, क्या हाल भैया? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो और कहाँ के रहने वाले हो? अभी जा रहे हैं दरगाह जहाँ से दुनिया शुरू हुई है। ठीक है चले। हाँ जी हाँ जी चलो, तो जोर से बोलो जय श्री। तो गाइस यहाँ पर फुल मस्ती के साथ साथ पेट्रोल दिलवाया जा रहा है। और कुछ और कुछ सेवा बता दो, ये कूड़े में फेंक दो जरा, ये कूड़े में फेंक दो ना जरा, फेंक दे। तो रजनीश भाई फुल गाड़ी फुर्ती से ले जाओ तुम, मैं तुम्हारे चक्कर में धीरे चल रहा हूँ। तो सफर हमने कर लिया है नियर अबाउट, कितना सफर कर लिया? 130 किलोमीटर आगे। क्या बात है यार, 700 किलोमीटर निपटा देंगे रात रात में आराम से, थोड़ी 7 बजे पहुंचेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा पंजा कम हैवी रखना पड़ेगा। नहीं यार फैमिली साथ में गाड़ी स्पीड चलाएं बिल्कुल। तो किस स्पीड में? तो यहाँ हमारी एक और गाड़ी आ गई है, उनका भी डीजल खत्म हो गया, डीजल डलवा लेते हैं। और रजनीश भाई की गाड़ी वहाँ खड़ी है, मतलब हम हैं 10 से 12 लोग। कितने लोग हैं गिने तुम्हें? नहीं गिने नहीं मैंने, मुझे लग रहा है ऐसे 10-15 लोग हैं। अगर गिन तो लो 11 लोग हैं और 3 गाड़ी हैं। जो जो हमारे साथ है हाथ खड़े कर लो, ये सारे हमारे साथ ही हैं जितने भी हैं। तीन ही हाथ खड़े हुए हैं, बाकी हमारे साथ नहीं है क्या? तो भैया फाइनली आ गए खाना खाने के लिए और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है। गोलू पायल को तो टॉयलेट में पकड़ लिया था फोटो खिंचवाने के लिए। हुआ क्या, मैं टॉयलेट से बाहर निकली, मुझे लगा पायल बाहर वेट कर रही है, तो मैं टॉयलेट से बाहर निकली शर्ट ठीक करती हूँ। जैसे बाहर निकली ना एक आंटी कृतिका मलिक, मैंने कहा एक सेकंड हाथ तो धोने दो, पहले हाथ धो लेती हूँ। हाथ धोए मैंने, फिर रीत से पूछा मैंने पायल कहीं, पायल कह रही पायल में गायब नहीं हो गई, कह रही पायल वॉशरूम में। मैं निकल रही सीधा सीधा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा थी, कह रही रुक पायल रुक रुक, मैं पायल जल्दी आ पायल पर गई, गोलू हाथ तो धोने दे, मेरे के हाथ धोती हूँ रुको। यही आप लोगों का प्यार है कि आप कहीं भी नहीं छोड़ते, और बहुत किस्मत है हमारी कि यहाँ तक पहुँचे और आपका प्यार। और हमारे साथ भी ऐसे हुआ, भी टॉयलेट में थे तो एक भाई साहब थे, अरमान जी वहाँ करे फोटो, मतलब भैया बाहर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो के लिए तो काम करते हैं ये, हाँ भाई सब लोग जाने। फाइनली ज़बरदस्त मज़ेदार चाय आ गई है सबके लिए। तो बोलूँ अभी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देते हैं हम, क्या हुआ कि अभी ना कुछ लोग आए थे बाहर से सेल्फी लेने के लिए, तो हमने बोला भैया हम खा रहे हैं थोड़ा पीने, उसके बाद आपको दे देंगे सेल्फी।
तो उनका कहना ये था कि हमें निकलना है, हमें तो अभी चाहिए सेल्फी। तो यार थोड़ा सा ना समझा करो, इंसान खा पी रहे होते हैं ना, तो आपके लिए है, मना नहीं किया, कभी नहीं किया, पर ये है कि थोड़ा सा प्राइवेसी होती है। खाना पीना खा रहे हैं, खाना छोड़ के सेल्फी दें, खाने का भी अनादर होता है ना, तो कई लोगों को वो बात बुरी लग जाती है। अगर हम लोग बोलते हैं ना कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, बस खाना खा के आप सबको फोटो दे देंगे, जितने लोग होंगे सबको दे देंगे, पर उनको वही बात बुरी लग जाती है। मतलब उनके लिए उनका टाइम इम्पॉर्टेंट है पर हमारा खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको जाना है, हम मानते हैं उनको जाना, पर हम खा रहे हैं ना, हम अपना निवाला छोड़ के थोड़ी फोटो दे सकते हैं। हम खा के आपको बोल रहे हैं कि फोटो दे देंगे, मना नहीं कर रहे जितने लोग हैं उनको देंगे। भैया का जो परांठा है ना, देखने लायक है, इतना बड़ा परांठा है। ये देखो ये परांठा ये आदमी खा रहा है, और हमें जाना है 700 किलोमीटर ड्राइव करके, और यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है आपको, ये सारा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ड्राइव के टाइम में इतना नहीं खाना चाहिए। अच्छा एक बात और यहाँ पे ना एक चटनी थी बहुत ही टेस्टी, मतलब लहसुन और उसकी लहसुन की चटनी थी, बहुत टेस्टी। भैया ने पैक करवाई हो घर से, हम पराठे बना के लाए हैं। भैया ने कहा इतनी कटोरी पैक कर दो, जो चार ले लेना, हम अपने वाले पराठों के साथ खाएंगे। इनको लहसुन की चटनी पसंद है, तो अभी इनको वो दिख गई है, तो ये पैक करवा के ही छोड़ेंगे। वाह, घूमने चले बाहर। पापा चल लो, ब्लॉग बन जाएगा और मैं अपना खेल भी लूंगा। और एक और चीज वो आपको पता है, खिलौने लोग करवाने जा रहे हैं फिश स्पा। और मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूं, मैं भी पहली बार करा रही हूं, और हमसे ज्यादा एक्साइटेड चीकू है। चीकू कहां गया? चीकू ने पहले अपनी पैर वॉश कर लिए। ये फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लेने वाला है, ऊपर आ रही है और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रही है, देखो क्या होने वाला है। चीकू ने तो शुरू कर दिया गाड़ी। चीकू के पैर खा रही है क्या? मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। बस देखो नॉर्मल पकड़ेगी, अभी नया ही लगा है मैंने। क्या नया लगाई अभी? खाने दे दो क्या ऊपर, अभी भाई ने तो डाला था। भैया काट तो नहीं जाएगी पक्का? भैया मुझे डर लग रहा है, एकदम ऐसे झटका मारेगा ना कांच लग जाएगा। अब गाड़ी में बात करूंगा ना। पापा आ रही, मेरे पास आई नहीं गई, इतने में चीकू आ रही। नहीं आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही है। ओ आ रही, आ रही, आ रही है। ओ मेरे पैर पे गुदगुदी करके आ रही है, आ रही, आ रही, आ रही है। चीकू के पैर ही नहीं पड़ रहे ऊपर। पापा कोड में ऊपर तो नहीं आ जाएंगे कोड में। तो भैया अजमेर शरीफ रह गया नियर अबाउट 250 किलोमीटर, और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हमें हर जगह मिल जाते हैं। रात के बज रहे हैं 3:30-4 बजे में, रात के 4:30। तुम्हारे भाई ने फुल गाड़ी चलाई है ना? फुल, कोई रुका ही नहीं, अब रुके हम दूसरी बार। ये हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सब लोग। तो आज अजमेर शरीफ यहाँ से रह गया 5-10 किलोमीटर, अभी रुके, हमने सोचा खाना खा लेते हैं यहाँ से, और फिर होटल जाके सीधा सो जाएंगे। और 600 किलोमीटर का जो सफ़र था ना, वो बहुत ही ज़्यादा थकान भरा था, कोई नहीं सोया है। रात को हम निकले थे 11 बजे, सुबह बज गए 8, और आधा पौने घंटे का रास्ता और है, तो हमने सोचा यहीं खाना खा लेते, पता नहीं वहाँ पे कितनी देर लगेगी या नहीं लगेगी, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। तो इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। नमस्ते बाबा, अल्लाह हाफिज़। पूरी जर्नी जरूर देखना, नमस्ते।